जलेवे को आग और बुझेवे को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं। तो आज हम लोग दोस्त प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ करेंगे, और मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, आज हम लोग एल्कोहल को तैयार करने का मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दोस्त अल्काइल हेलाइड से एल्कोहल बनाएंगे। यहाँ पर तो सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हेलाइड ले ली और रिएजेंट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले ली, लेकिन ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका पानी में घुला रहेगा, इसलिए यहाँ पर ले लेंगे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर दोस्त एरो का साइन दे दी। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अल्काइल और हेलाइड के बीच सिंगल बॉन्ड है, और हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त पहला प्यार मजबूत प्यार होता है, उसी तरह पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर दोस्त हीट एनर्जी दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, रिएजेंट में पोटेशियम मेटल है और हेलोजन नॉन मेटल है। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो रिएजेंट से पोटेशियम को हटाएंगे और सबस्ट्रेट से हेलोजन को हटाएंगे, और मेन बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हेलाइड का फॉर्मेशन कर देंगे। अब यहाँ बच गया अल्काइल ग्रुप और यहाँ बच गया एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप में एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को जोड़ रहे हैं, ये बन गया मेरा अल्काइल एल्कोहल। इस कंपाउंड को कॉमन नेम में दोस्त अल्काइल एल्कोहल बोलते हैं, और रिएजेंट सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड था, तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड दिए। रिएजेंट के रूप में एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए थे, तो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखी है। तो देखिए दोस्त, इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल एल्कोहल बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसका तो जनरल लैंग्वेज लिखेंगे, इसका जनरल लैंग्वेज जाएगा हमारा वे अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, देन एल्कोहल इज फॉर्म। इसका लैंग्वेज बोलते हैं दोस्त, जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा तो हम लोग एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, और अगर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ना रहे तो हम लोग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेंगे, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल बनता है। अब दोस्त इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त इथाइल क्लोराइड ले रहे हैं, जिसका फॉर्मूला हो गया CH3CH2 सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन के अल्काइल को बोलते हैं इथाइल, और इथाइल में लगा दिए क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड। रिएजेंट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, लेकिन वह हमारा एक्वस मीडियम में होगा, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग जलीय घोल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, पोटेशियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो जिस तरह दोस्त
बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो रिएजेंट से पोटेशियम को हटाएंगे और सबस्ट्रेट से क्लोराइड को हटाएंगे और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देंगे। अब यहाँ पर बचा इथाइल ग्रुप, और इथाइल ग्रुप में जुड़ जाएगा एल्कोहल, तो बन जाएगा इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल ग्रुप में एल्कोहल जोड़ ले दो, इसका फॉर्मूला हो गया CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल एल्कोहल और यूपेक नेम हो जाएगा आपका इथानॉल। रिएजेंट के रूप में एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल क्लोराइड लिए थे। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल एल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेते हैं। ये हो गया CH3, CH के आगे लगा हुआ है CH3। देखिए दोस्त, तीन कार्बन होना चाहिए और बीच वाला कार्बन पर अगर एक खाली बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और आइसोप्रोपाइल ग्रुप में लगा दिए ब्रोमाइड, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, लेकिन वह हमारा एक्वस मीडियम में, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल आपको लेना है। अब यहां पर देखिए दोस्त, रिएजेंट से हम सोडियम को हटाएंगे और सबस्ट्रेट से हम लोग ब्रोमाइड को हटाएंगे। जहां पर सोडियम मेटल है और ब्रोमाइड नॉन मेटल है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम ब्रोमाइड को रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहां पर देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड था तो यहां पर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बना दिया। रिएजेंट था मेरा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर देखिए दोस्त, अब यहां मेरे पास बच गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप में जुड़ जाएगा एल्कोहल, तो बन जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। मेन प्रोडक्ट के रूप में दोस्त आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला हो गया CH3, CH के आगे लगा हुआ है CH3 और इस साइड पर खाली बॉन्ड है, इस खाली बॉन्ड में लगा दिया एल्कोहल फंक्शन ग्रुप। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। रिएजेंट ग्रुप में एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था तो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखिए। सबस्ट्रेट के रूप में आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड था तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिखते हैं। तो जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में साइक्लिक चेन का एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए हमारे दोस्त, ये हो गया मेरा 5 कार्बन का साइक्लिक चेन जिसको साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिए तो एक खाली बॉन्ड जनरेट हुआ, ये बन गया साइक्लोपेंटाइल। और साइक्लोपेंटाइल में लगा दिए क्लोराइड ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड। रिएजेंट के रूप में एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ली, तो रिएजेंट से हम लोग दोस्त पोटेशियम को हटाएंगे और सबस्ट्रेट से क्लोराइड को हटाएंगे। जहां पर पोटेशियम मेटल है और क्लोराइड नॉन मेटल है, तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम क्लोराइड को रिप्लेस किया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का
फॉर्मेशन कर दिया। और साइक्लोपेंटाइल ग्रुप में जुड़ जाएगा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और बना लेगा साइक्लोपेंटाइल एल्कोहल। तो साइक्लोपेंटाइल था दोस्त, यहाँ पर साइक्लोपेंटाइल बना दिए, ये हो गया मेरा साइक्लोपेंटाइल। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था तो यहाँ पर जोड़ दिए एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया साइक्लोपेंटाइल एल्कोहल। देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड लिए थे तो साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड लिख दिए। रिएजेंट के रूप में एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए। तब मेन प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोपेंटाइल एल्कोहल और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। और दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में दोस्त इथाइल क्लोराइड लिए, योग्य हमारा चलिए इथाइल आयोडाइड लेते। और इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ करते हैं। यहां पर देखिए दोस्त, मॉइस्ट का मतलब हो गया दोस्त मॉइस्चर, और मॉइस्चर का मतलब होता है वाटर का मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर ले लिया वाटर का मॉलिक्यूल। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर मेटल और ऑक्साइड नॉन मेटल है, सिल्वर ऑक्साइड हमारा मेटल का ऑक्साइड है, यहाँ पर लिख दिया मेटल का ऑक्साइड। तो हम लोग दोस्त बचपन के दिनों में पढ़े कि जब कभी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं ना, तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो मेटल हमारा सिल्वर है दोस्त, यहाँ पर सिल्वर लिख दिया हाइड्रोक्साइड के रूप में OH। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को आपस में जोड़ने पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, सिल्वर मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो रिएजेंट से सिल्वर को हटाएं और सबस्ट्रेट से आयोडीन को, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में तो सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल ग्रुप बचा है और रिएजेंट में एल्कोहल, तो इथाइल में एल्कोहल जोड़ देंगे तो बन जाएगा इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल ग्रुप में लगा दिए एल्कोहल, इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त इथाइल एल्कोहल। रिएजेंट के रूप में मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड था जिसके कॉम्बिनेशन से सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना था। सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल आयोडाइड लिए थे। तो देखिए दोस्त, इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल एल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का रिएक्शन नंबर 1 फुल HD में खत्म हो गया।